आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रुकाम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो जियो का नया यूपीआई ऐप लॉन्च, फोन पे और पेटीएम की बड़ी है टेंशन, ऑनलाइन पेमेंट समेत मिलेंगे ये फायदे। मुकेश अंबानी डिजिटल स्पेस में तेजी से जो है अपनी पकड़ बना रहे हैं, हालांकि यह हकीकत है कि अभी तक भारत के ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में भारतीय कंपनियों की गैर मौजूदगी है। हालांकि अब मुकेश अंबानी जो है इस सेक्टर में जो है एंट्री करने की तैयारी में है। इसके लिए मुकेश अंबानी एक सुपर ऐप जियो फाइनेंस जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसे दिग्गज पे जो पेमेंट ऐप जो है जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप को जो है जोर का झटका लग सकता है। जियो का नया जो यहाँ पर जियो फाइनेंस ऐप जो है वो लॉन्च हो गया है। इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की ओर से लॉन्च किया गया है। फिलहाल ऐप जो है बीटा वर्जन में है और ये एक ऑल इन वन ऐप है जिस पर फाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग की सर्विस मिलेगी। इस ऐप पर सभी तरह के बैंकिंग सर्विस एक ही साथ यूपीआई पेमेंट की सुविधा जो है यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बिल सेटलमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजरी भी इसमें यहाँ पर मिलेगी। इस ऐप के जरिए लोन और होम लोन भी जो है वो लिया जा सकता है। तो जियो ने जो नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जियो फाइनेंस ऐप फिलहाल जो है बीटा टेस्टिंग में है, मतलब कुछ चुनिंदा यूजर्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए जो है उपलब्ध करा दिया गया है। ऐप को यूजर्स फीडबैक के बाद जो है फाइनली आम यूजर्स के लिए रोल आउट जो है इसको यहाँ पर कर दिया जाएगा। वही फिनटेक कंपनियां जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम ने पहले ही जो है अपने ऐप मार्केट में उतार दिए हैं। ऐसे में जियो फाइनेंस ऐप की सीधी टक्कर जो है गूगल पे और फोन पे और पेटीएम से मानी जा रही है। बता दें आपको कि जियो फाइनेंस ऐप एक जगह पर कई सर्विस जो है यहाँ पर देगी जो पेटीएम, फोन पे और गूगल पे ऑफर नहीं करती है। ऐसे में जियो फाइनेंस ऐप जो है उसकी एंट्री से बाजार में जो है हलचल जो है बढ़ सकती है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, सभी सदस्यों को करानी होगी ईकेवाईसी। राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल निःशुल्क मिलता है। नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को जो है अब ईकेवाईसी करानी होगी। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने हाल में बताया था कि राशन कार्ड लाभार्थियों की ईकेवाईसी कराए जाने का अभियान जो इस महीने शुरू हो जाएगा। यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। ऐसा नहीं किए जाने पर जो है राशन कार्ड से नाम जो है वो हटा दिया जाएगा या फिर उनका कार्ड जो है अस्थायी तौर पर जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को राशन लेने में परेशानी हो सकती है। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भविष्य में सस्ता राशन लेने के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे सभी की ईकेवाईसी कराना जो है जरूरी होगी। उचित दर विक्रेता के पास जाकर सबका अंगूठा ई पोस मशीन में लगाने के बाद ही जो है ईकेवाईसी पूर्ण मानी जाएगी। वही ईकेवाईसी का कार्य जो है ई पोस के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर जो है यहाँ पर निःशुल्क कराया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लाभार्थी अपने निकटतम किसी भी जो है उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ईकेवाईसी करवा सकते हैं। केवाईसी के लिए लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। वही पढ़ाई, रोजगार इत्यादि के कारण अपने घर या फिर गांव से दूर रहने वाले उपभोक्ता प्रदेश में अपने नज़दीकी किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाकर जो है या फिर घर वापसी पर अपने उचित मूल्य दुकान पर ईकेवाईसी करवा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिनकी ईकेवाईसी जो है यहाँ पर ऐसे उपभोक्ता जिनकी यहाँ पर ई केवाईसी अधिकतम प्रयास करने को प्रांत अपडेट नहीं हो रही है, वह आधार केंद्र में अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं ताकि उनका ई केवाईसी जो है आसानी से हो पाए। तो ये उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फास्टैग को बार बार नहीं करना होगा मैनुअल रिचार्ज, आरबीआई की तैयारी, अब नहीं लगेगा डबल टोल। फास्टैग आज के समय में एक जरूरी चीज है जिसे कार और बस और कमर्शियल व्हीकल्स पर लगाना पड़ता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिक टोल पेमेंट जो है वो होती है। वही दरअसल यूपीआई एप्स में जल्दी जो है ऑटोमेटिक बैलेंस ऐड जो है फास्टैग में ऐड हो जाएगा, जो उनके यूपीआई लाइट वॉलेट में जाएगा। इसकी मदद से कम कीमत वाले यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है स्पीड में यहाँ पर हो पाएंगे। दरअसल बात यह है कि इसी तरह जो यहाँ पर अभी फास्टैग में भी एक नई सहूलियत आनी है, जैसे यूपीआई में होता है वैसे वैसे यहाँ पर यूपीआई लाइट में होता है वैसे वैसे फास्टैग में सुविधा मिल सकती है। इसी तरह ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट की सुविधा अन्य प्रीपेड इंक्रूमेंट जैसे कि फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में भी जो है ऐसी सुविधा मिलेगी जिसमें ऑटोमेटिक पैसे ऐड हो जाएंगे। वही मौजूदा समय में जो है जब फास्टैग में बैलेंस कम होता है तो टोल प्लाजा पर काम नहीं करता, ऐसे में कई बार यूजर्स को डबल टोल तक पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ जाती है। वही अभी फास्टैग अकाउंट होल्डर्स को मैनुअल रिचार्ज करना होता है, कम बैलेंस होने पर टोल पेमेंट नहीं हो पाती है जिससे उसे परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है।
भाई फास्टैग बैलेंस ना होने पर कई बार जो है कार या व्हीकल ओनर्स की जो परेशानी जो है बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, कई बार टोल प्लाजा पर भारी भीड़ भी जो है इसके कारण लग जाती है। वही जो उप गवर्नर जो है RBI के TB रविशंकर, उन्होंने बताया कि ट्रांजेक्शन जो है UPI ट्रांजेक्शन जो है वो लगभग 450 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन में से 10 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन से जो है यहाँ पर UPI लाइट से जो है हुए हैं। तो UPI और फास्टैग को लेकर जो है RBI के गवर्नर की ओर से जो है कुछ जानकारी जो है वो शेयर की गई है कि अब फास्टैग में जो है ऑटोमेटिक जो है पैसे जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पैसे जो है फास्टैग के जरिए जो है ऑटोमेटिक खाते में जो है यहाँ पर लोड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर RBI की ओर से नई सेवा का यहाँ पर विस्तार जो है वो यहाँ पर किया गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान की बजराज सरकार का बेरोजगार युवाओं को तोहफा, 7,000 सफल अभ्यर्थियों को दी जाएगी नियुक्ति। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब बजराज सरकार एक्शन मोड में है। कल जो है दिल्ली से लौटते मुख्यमंत्री बजराज सरकार ने CMO में उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और निलंबित पदों की समीक्षा की। वही बैठक में मुख्य सचिव जो है वो भी मौजूद रहे। वही कई विभागों के प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन इस दौरान मौजूद यहां पर रहे। वे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कुछ ही माह में 16,000 पदों पर नियुक्तियां जो है राजस्थान में दी जाएगी। वही 29 जून को जो है 7,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वही मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे सभी विभागों की भर्तियों को ध्यान में रखते हुए हर साल दिसंबर माह भर्ती कैलेंडर जारी कर समय पर जो है परीक्षा करवाएं। वही भर्ती कैलेंडर जारी होने से जो है लाभार्थी जो अभ्यर्थी जो है उनकी परीक्षा की तैयारी करने का समय जो है उनको मिलेगा। बैठक में बदनाल शर्मा ने ये भी कहा कि आयोजित की जा चुकी सभी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही जारी करें। वही 11,000 से अधिक पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को जो शीघ्र जो है नियुक्ति देने का भी उन्होंने यहाँ पर वादा किया है। तो ये कुछ वादा जो है यहाँ पर राजस्थान में बदनाल सरकार की ओर से यहाँ पर ये किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि बदला सरकार ने जो है कल PM किसान संबंधी योजना की राशि में भी जो है बढ़ोतरी की है। राजस्थान के अंदर PM किसान संबंधी योजना की जो राशि जो थी उसमें जो है 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। यानी अब राजस्थान के किसानों को जो है PM किसान संबंधी योजना के तहत मिलने वाली राशि जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब उनको जो है PM किसान संबंधी योजना के तहत राजस्थान के किसानों को जो है अब राजस्थान के अंदर जो है PM किसान संबंधी योजना में 8,000 रुपये मिलेंगे। यानी हर किस्त के साथ में जो है हर राज्य किसानों को 2,000 रुपये खाते में आते, लेकिन राजस्थान के किसानों को शायद जो है 2,000 से ज़्यादा जो है पैसे आएंगे। यानी यहाँ पर 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए, तो 8,000 यहाँ पर या तो 3 महीने में यहाँ पर एक बार किस्त आएगी या फिर 4 महीनों में एक बार जो है 4 महीनों में जो है उसके हिसाब से जो है एडजस्टमेंट सरकार यहाँ पर करेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि राजस्थान और देश भर की ताज़ा खबरें जो आपको मिलती रहें।